नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो आईपीएल 2023 के 41वें मुकाबले का हम लोग प्लेइंग 11 कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर हम ये मुकाबला बात करें तो किसके किसके बीच खेला जाएगा, ये चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा। अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या होने वाला है, उनका कंपैरिजन करेंगे, मतलब ओपनर टू ओपनर, मिडिल ऑर्डर टू मिडिल ऑर्डर, फिर उसके बाद स्पिनर टू स्पिनर, पेसर टू पेसर और फिनिशर टू फिनिशर, मतलब सारा वन टू वन कंपैरिजन किया जाएगा और देखा जाएगा कि ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत है और किसके जीतने के चांसेस कल ज़्यादा हैं। मतलब एट लास्ट हम लोग प्रेडिक्शन भी दिया जाएगा किस टीम के जीतने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू द पिच कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस वीडियो में पिच कंडीशन को सोचा जाएगा, समझा जाएगा और परखा जाएगा। अगर हम बात करें पिच ग्राउंड की, कहां पे मुकाबला खेला जाने वाला है, वो होगा एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, यानी कि ये धोनी का अपना होम ग्राउंड है। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल पिच कहती है वो ये कहती है कि स्पिनरों का बोलबाला रहता है। हालांकि इस आईपीएल में 3 मुकाबले खेले गए हैं, वहां पे कुछ मैचों में बल्लेबाजों के लिए पिच थी, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि स्पिनरों का बोलबाला रहा। तो इस मैच में भी हम उम्मीद करते हैं कि स्पिनरों का बोलबाला रहेगा, टर्न यहां पे मिलती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे मैच खेलते रहेंगे आप, यहां पे पिच थोड़ा सा टूटती रहेगी और धोनी भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सेकेंड इनिंग में ड्यू आने की भी उतनी ही उम्मीद रहती है, जिस कारण हमेशा आप यहाँ पे सीएसके टीम को टॉस जीतकर फर्स्ट बॉलिंग करने का ही देखोगे और सेकेंड में वो बैटिंग करते हुए दिखेंगे बिकॉज ऑफ द ड्यू फैक्टर। तो ये तो पिच कंडीशन रहा। अब हम देख लेते हैं लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, आपको यहाँ पे दिख गया होगा सारच ने 134 बनाया, सीएसके ने मात्र 3 विकेटों खोते हुए उसको हासिल कर लिया। और यहाँ पे अगर मेन जो मैटर है देखने के बाद कि 6 विकेट स्पिन ने लिए और पेस ने 2 विकेट अपने नाम किए, शायद 1 रन आउट रहा होगा, तो जिस कारण आप अनुमान लगा सकते हो कि अब धीरे धीरे जो पिच एकदम बैटिंग और पाटा पिच दिख रही थी, ये चेपॉक वाली, अब अपने पुराने रंगत में आते हुए दिख रही है। और हम इसी अनुमान के साथ चल रहे हैं कि यहाँ पे स्पिनरों का वर्चस्व होने वाला है और स्पिनर को आप रख सकते हैं अपनी टीमों में जो भी फैंटेसी खेलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन कर लेंगे और देखेंगे कि ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत है और कल किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी के प्लेइंग 11 की, तो ये प्लेइंग 11 खेलेगी कब, जब वो बैटिंग करते हुए दिखेंगे और बॉलिंग करते समय एक इंपैक्ट प्लेयर आ जाएगा, अंबाती रायडू के जगह इंपैक्ट प्लेयर आकाश सिंह के रूप में खेलता हुआ आपको दिखेगा। तो ये 12 प्लेयर खिलाड़ी रहेंगे, आकाश सिंह और अंबाती रायडू एज एन इंपैक्ट प्लेयर चेन्नई सुपर किंग में खेलते हुए दिखेंगे। ये प्लेइंग 11 है आपके स्क्रीन पे है चेन्नई सुपर किंग्स की, और यहाँ पे प्लेइंग 12 पंजाब किंग्स की आपके स्क्रीन पे है। अर्शदीप सिंह एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज होंगे, मतलब अगर पंजाब किंग्स की बॉलिंग आई तो अर्शदीप सिंह पहले प्लेइंग 11 में होंगे, अगर बैटिंग आ गई तो प्रभसिमरन सिंह प्लेइंग 11 में रहेंगे। मतलब ये दोनों खिलाड़ी एज ए इंपैक्ट प्लेयर यूज होते हुए दिखेंगे। प्रभसिमरन सिंह अगर बैटिंग आई तो प्लेइंग 11 में खेलेंगे, अगर बॉलिंग आई तो अर्शदीप सिंह प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखेंगे। तो आपको ये प्लेइंग 12 पंजाब किंग्स की, प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स की आकाश सिंह और अंबाती रायडू एज ए इंपैक्ट प्लेयर, जहां पे इंपैक्ट प्लेयर में अर्शदीप सिंह और प्रभसिमरन सिंह। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इन दोनों टीमों का क्या इंपैक्ट प्लेयर होने वाले हैं और कौन सी प्लेइंग 11 खेलने वाली है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर प्लेइंग 11 कंपैरिजन की, कि क्या हो सकता है दोनों टीमों का प्लेइंग 11 कंपैरिजन। यहाँ पे अगर हम बात करें इस टीम का और इस टीम का प्लेइंग 11 कंपैरिजन, तो ओपनर डिपार्टमेंट उठाते हैं और देख लेते हैं किसका किस पर पलड़ा भारी है, कौन सी टीम मजबूत दिख रही है ओपनिंग डिपार्टमेंट में दूसरे टीम के मुकाबले। अगर हम बात करें सीएसके की ओपनिंग डिपार्टमेंट, तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, ये दूसरी या तीसरी सबसे विध्वंसक ओपनिंग पार्टनरशिप है। पहले पे अगर आप रखेंगे तो डुप्लेसिस और विराट कोहली, दूसरी आप मानकर चलिए और फॉर्म बेसिस पे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे, और तीसरे पे आप रोहित शर्मा और ईशान किशन के ओपनिंग पार्टनरशिप को रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको दूसरे नंबर पे रेट करूंगा, जबरदस्त इनका फॉर्म है और जबरदस्त एक दूसरे को ये फॉलो करते हैं और बेहतरीन तरीके से सपोर्ट भी दोनों एक दूसरे को करते हैं। एक स्ट्राइक करता है तो एक स्ट्राइक रोटेट करता है, एक स्ट्राइक करता है तो दूसरा स्ट्राइक रोटेट करता हुआ दिखेगा। अगर यहां पे बात करें तो शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह युवा चेहरा है, अभी जो कंसिस्टेंसी इनसे बहुत दूर दूर का नाता नहीं है और खूब अटैक करके ये खेलना चाहेंगे शुरुआत के ओवरों में। वहीं शिखर धवन की बात करें तो शिखर धवन कंसिस्टेंट बैटर हैं, लेकिन इनके पास अटैकिंग नेचर थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर
फैक्टर आप मान सकते हो। तो यहाँ पे अगर 20 में 20 पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पे शिखर धवन की कंसिस्टेंसी की वजह से आप 18 पॉइंट पंजाब किंग्स को दे सकते हो। लेकिन 1-1 कंपैरिजन कर लें तो चेन्नई सुपर किंग की ओपनिंग जोड़ी कहीं आगे दिख रही है पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी से, क्योंकि यहाँ पे शिखर धवन है जरूर कंसिस्टेंट बट उनका स्ट्राइक रेट कम है। प्रभसिमरत सिंह स्ट्राइक रेट अपना बढ़ा सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी कम है। और सीएसके टीम की अगर हम बात करें, अगेंस्ट बात करें, तो इनके चलने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का माइंड पीछे से ऑपरेट होता हुआ चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की। मिडिल ऑर्डर में अजिंक रहाणे, मिडिल ऑर्डर में अंबाती रायडू और वहीं शिवम दुबे, तीन बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। ये अंबाती रायडू करिएगा, फिनिशर में मोइन अली को हम रखेंगे। तो अजिंक रहाणे, शिवम दुबे और अंबाती रायडू मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। वहीं अथर्व तायडे, सिकंदर राजा और लियाम लिविंगस्टन मिडिल ऑर्डर में पंजाब किंग्स की तरफ ऑपरेट पंजाब किंग्स के लिए ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो अजिंक रहाणे इनफॉर्म बैटर, शिवम दुबे इनफॉर्म बैटर, अंबाती रायडू की चर्चा भी नहीं करते क्योंकि बहुत इनका एज फैक्टर हो गया, मैच टाइम इनके पास नहीं है, प्लस इनका फॉर्म भी इनके साथ नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ अथर्व तायडे, पिछले मैच में फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं लेकिन एक्सपीरियंस की इनकी बहुत कमी है जो कि अजिंक रहाणे और शिवम दुबे के पास है। फिर बात कर लेते हैं सिकंदर राजा, धीरे धीरे ये टच में आते हुए दिख रहे हैं, प्लस कुछ ओवर के बॉलिंग्स भी दे सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन, जरूर इनका फॉर्म बहुत डीप हुआ है लेकिन बॉलिंग से ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर बैटिंग वाइज जो कंपैरिजन है वो कहीं दूर दूर तक दोनों टीमों का कंपैरिजन नहीं है क्योंकि शिवम दुबे इनफॉर्म बैटर है, अजिंक रहाणे इनफॉर्म बैटर है और यही मिडिल ऑर्डर इस बार सीएसके टीम की नया भी पार लगाता हुआ दिख रहा है। ये जो बल्लेबाज हैं अजिंक रहाणे, शिवम दुबे, डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, ये जो चार बल्लेबाज हैं इन्होंने काफ़ी छाप छोड़ी है, काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है बैटिंग डिपार्टमेंट में और इन्हीं की बदौलत इस बार सीएसके टीम ने सर्वाधिक बार 200 रनों का आंकड़ा भी आईपीएल 2023 में पार किया हुआ है। तो मिडिल ऑर्डर यहाँ पे भी कोई कमी नहीं, एक अंबाती रायडू का ड्रॉबैक है कि वो फॉर्म में नहीं है, फिर भी उनकी बैटिंग आने के चांसेस कम रहती है, वो तो धोनी उनको मौके देते रहते हैं क्योंकि मोइन अली को वो कभी भी रायडू के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट जरूर हम काट लेते हैं कि अगर जल्दी जल्दी विकेट गिर गया फिर रायडू की बैटिंग आ जाएगी तो इनका मिडिल ऑर्डर धाराशाही हो सकता है। यहाँ पे मिडिल ऑर्डर की बात करें, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी, कभी भी विकेट ये फेंक सकते हैं। हाँ, अच्छे रन गति से दोनों स्कोर कर सकते हैं लेकिन कभी भी अपना ये विकेट फेंक सकते हैं, वो कंसिस्टेंट फैक्टर नहीं रहेगा। यहाँ पे अट्रैकिंग नेचर प्लस कंसिस्टेंट फैक्टर दोनों है तो 15 पॉइंट मिलेगा क्योंकि लियाम लिविंगस्टन का फॉर्म भी उनके साइड नहीं है, जिस कारण जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी है सीएसके की काफ़ी मजबूत है। तो वहीं ये काफ़ी अटैकिंग मिडिल ऑर्डर है और लेकिन काफ़ी फ्रेजाइल भी मिडिल ऑर्डर है क्योंकि ये कभी भी अपना विकेट फेंक सकते हैं। तो पंजाब किंग्स मिडिल ऑर्डर में भी पीछे दिखता हुआ दिख रहा है चेन्नई सुपर किंग के मिडिल ऑर्डर से। अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग डिपार्टमेंट का दोनों टीमों के। तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आप देखोगे तो रविंद्र जडेजा, MS धोनी और मोइन अली तीन फिनिशर ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे फिनिशिंग डिपार्टमेंट में सैम करन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान और यहाँ पे जो पलड़ा है वो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब किंग्स का क्योंकि इनके पास इनफॉर्म बैटर सैम करन है, बेहतरीन टच दे रहे हैं फिनिशिंग टच। वहीं जितेश शर्मा की क्या ही कहने, जितने बॉल्स खेल रहे हैं हर बॉल पे छक्के मारने की काबिलियत रखते हैं, बेहतरीन इनका प्रदर्शन रहा है इस साल और काफी इंप्रेस किया हुआ है पिछले साल की तरह। फिर शाहरुख खान, ये भी लास्ट में आकर अच्छा खासा टच दे ही कर चले जा रहे हैं, मतलब अच्छा खासा प्रदर्शन इनका भी रहा है। यहाँ पे बात करें रविंद्र जडेजा का, थोड़ा सा फॉर्म बैटिंग फॉर्म डिप हुआ है, बॉलिंग फॉर्म नहीं, बैटिंग फॉर्म डिप हुआ है। रविंद्र, MS धोनी को मैं बैक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गेम टाइम नहीं है, मैच टाइम नहीं है, ये खुद अपने आप को बैक नहीं कर रहे हैं। वहीं मोइन अली की बात करें तो ये मिस और हिट टाइप ऑफ प्लेयर है, कंसिस्टेंसी इनसे मिसिंग रहेगी, जो कुछ 9-10 गेंदे खेले उसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं लेकिन वही बात है कि कंसिस्टेंटली ये स्कोर करें ये इसकी गारंटी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, मात्र 15 पॉइंट अर्जित करते हैं बिकॉज ऑफ रविंद्र जडेजा और मोइन अली दोनों कभी भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ये मादा तो जरूर रखते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे पॉइंट मिलते हैं क्योंकि अंतिम ओवर्स में पंजाब किंग्स के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो दमखम रखते हैं कि 60 से 70 पांच ओवरों में बना सकते हैं, जिस कारण इनका जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो काफी मजबूत और सुदृढ़ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की, स्पिन डिपार्टमेंट में किसका पलड़ा किस पर भारी है वो देख लेते हैं। अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्पिनर्स में सीएसके की तरफ से M तीक्षणा, रविंद्र जडेजा ऑपरेट करते हुए दिखेंगे। वहीं मोइन अली कुछ ओवर के स्पिन ऑपरेट कर सकते हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर। वहीं अगर हम बात करें पंजाब किंग्स की स्पिन
डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर राहुल चहर दिखेंगे। वहीं सेकेंड स्पिनर के रूप में हरप्रीत ब्रार, लियाम लियुंगसन भी कुछ ओवर की गेंदबाजी कर सकते हैं, प्लस सिकंदर रजा। लेकिन जो क्वालिटी यहाँ पर आपको मिलेगी, रविंद्र जडेजा के रूप में सबसे बेहतरीन इनके स्पिन बॉलर हैं, और किसी के भी, चाहे लेफ्ट हैंडर्स हों चाहे राइट हैंडर्स हों, इनके किसी के भी अगेंस्ट महेंद्र सिंह धोनी यूज कर लेते हैं। मैं शिक्षणा की बात करें, ये भी काफ़ी क्वालिटी ला कर देते हैं, एक वेरिएशन लाते हैं, कैरम बॉल का खूब प्रयोग करते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, पावर प्ले में भी उपयोग कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी इनका। मोइन अली की बात कर लें, लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ये बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं और अच्छे खासे ओवर्स उनके खिलाफ निकाल सकते हैं। यहाँ पर बात करें, राहुल चहर का फॉर्म डिप हुआ, विकेट टेकिंग एबिलिटी कम हुई है, इस साल काफ़ी कम विकेट लेकर जा रहे हैं। हरप्रीत ब्रार एक काम चलाऊ स्पिनर आप कर सकते हो, इकोनॉमी रेट से, अच्छे इकोनॉमी रेट से ये बॉलिंग जरूर कर सकते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग एबिलिटी नहीं है। वहीं लियाम लियुंगसन और सिकंदर रजा एक पार्ट टाइमर है, जिनकी उपयोगिता बस कुछ ओवर्स निकालने के लिए की जा सकती है। तो यहाँ पर क्वालिटी में 20 में 20 स्पिन डिपार्टमेंट मिलेंगे, तो वहीं पंजाब किंग्स स्पिन डिपार्टमेंट में मात्र 15 पॉइंट पर अटक जाती है, क्योंकि इनके पास कोई भी विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं मौजूद है। जो भी मौजूद हैं वो सिकंदर रजा, लियाम लियुंगसन है, वो भी काम चलाऊ बॉलर। वहीं हरप्रीत ब्रार से भी आप कुछ ओवर्स निकलवा जरूर सकते हैं, लेकिन विकेट लेने का उतना नहीं सोच सकते हैं। प्लस राहुल चहर जो इनके विकेट टेकिंग ऑप्शन है वो फॉर्म में नहीं दिख रहा है, जिस कारण ये काफ़ी पीछे हो जाते हैं महेंद्र सिंह धोनी के स्पिन डिपार्टमेंट से, जो कि महेश शिक्षण और रविंद्र जडेजा और मोइन अली के रूप में काफ़ी सुदृढ़, काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है ऑन द पेपर अगर हम बात करें तो। अब बात कर लेते हैं पेस डिपार्टमेंट की, यहाँ पर देख लेते हैं किसकी तूती बोलेगी या नहीं बोलेगी। अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी के पेस डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे आपको तुषार देशपांडे, एम पथिराना, और उसके बाद जो तीसरे पेसर होंगे वो आकाश सिंह होंगे, आज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखेंगे इस मैच में। तो अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के पेस डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे होंगे अर्शदीप सिंह, उसके बाद कैगिसोर अबाड़ा, तीसरे पेसर सैम करन होंगे, तो तीन महत्वपूर्ण पेसर इनके पास हैं। वहीं यहाँ पे पेस डिपार्टमेंट की बात किया था हमने, जैसे तुषार देशपांडे होंगे, पथिराना होंगे और उसके बाद आकाश सिंह होंगे, तीनों इनएक्सपीरियंस्ड पेसर हैं, तीनों काफ़ी रन पिटा सकते हैं, और जो कुछ भी निर्भर करेगा कि इनका प्रयोग कैसे एमएस धोनी करते हैं, बस इसी बात पे निर्भरता होगी कि ये कितना रन खर्चेंगे। अगर एमएस धोनी इनको सही तरीके से उपयोग कर लें और उसके जो प्लान बना रहेगा उस प्लान पे स्टिक हो जाएं, तो फिर अच्छा खासा ये फेंक सकते हैं, अदरवाइज काफ़ी इनएक्सपीरियंस पेस अटैक, और इसका बखूबी फायदा उठाने चाहिएगी पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी। वहीं यहाँ की पेस गेंदबाजी की बात करें, तो कोई भी ड्रॉबैक नहीं दिखेगा, हर डिपार्टमेंट इनका चुस्त और तंदुरुस्त दिख रहा है, और यही इनकी मजबूती भी है इस साल की। आप सैम करन को देख लो, डेथ में भी ऑपरेट कर सकते हैं, शुरुआती ओवर्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं। राहुल अर्शदीप सिंह को देख लो, बेहतरीन, इनसे बेटर डेथ बॉलर मिलेगा नहीं। कैगिसोर अबाड़ा मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर आपको देंगे, तो इनके पेस डिपार्टमेंट में कोई भी कमी नहीं, हर एक इनका जो कह सकते हैं डिपार्टमेंट है वो चुस्त है, मजबूत है, तंदुरुस्त है। पेस डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे मिडिल ओवर्स की बात कर लें, चाहे पेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे आप बात करें शुरुआती ओवर्स की, हर तरीके से इनका पेस डिपार्टमेंट कवर्ड है। वहीं यहाँ पे काफ़ी इनएक्सपीरियंस पेस अटैक है और काफ़ी रन लुटा सकते हैं, और यही इनकी कमजोरी है, जिसका फ़ायदा उठाना चाहेगी पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी क्रम। तो ये तो पेस डिपार्टमेंट था। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो 10 पॉइंट अगर सीएसके को देंगे तो वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस पेस अटैक में कोई भी दम दिखता है। ये जो भी पेस अटैक है, सिर्फ और सिर्फ इसको धोनी चलायमान रख सकते हैं, अदरवाइज और बाकी कप्तान तो सीधे हाथ खड़ा कर देते, लेकिन ये धोनी की चतुराई है जो इस पेस अटैक से भी अच्छा खासा रिजल्ट निकलवा ले रहे हैं। अगर हम बात कर लें अब ऑन द पेपर कौन सी टीम मजबूत है इस पिच कंडीशन को देखते हुए, अगर इस पिच कंडीशन की बात करें, यहां पे अगर रैंक टर्नर पिच हुई और स्पिनरों का बोलबाला रहा जैसे पिछले मैच में रहा, जहां 6 विकेट स्पिनर लेकर गए थे, तो हम मानकर चलें कि ये जो स्पिन अटैक है, यहां पे रविंद्र जडेजा, एम तिक्षणा और मोइन अली का जो अटैक है, जो ट्राई हो, भारी पड़ सकता है पंजाब किंग्स के ट्राइव के पास, क्योंकि इन तीन पेसरों से मात्र 8 ओवर निकलवाने पड़ सकते हैं सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी को तब, और उस केस में वो काफ़ी चतुराई से इनका प्रयोग कर सकते हैं, 8 ओवर निकलवा सकते हैं। तो वहीं पंजाब किंग्स का स्पिन अटैक थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा क्या, बहुत कमजोर है चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले, जिस कारण इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो स्पिन को बहुत बेहतरीन खेलता है चेन्नई सुपर किंग्स का, अजिंक्य रहाणे और शुभम दुबे के रूप में बहुत ही सशक्त प्लेयर हैं, जो स्पिन को भी अच्छा खासा खेल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑन द पेपर चेन्नई सुपर किंग्स कल का मुकाबला जीतना चाहिए, और ये इनका गढ़ माना जाता है एम चिदम्बरम स्टेडियम, यहाँ पे मुकाबले बहुत कम ही हारते हुए दिखते हैं। तो इस कारण मैं चेन्नई सुपर किंग्स को इस मैच में बैक कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिन अटैक है और क्वालिटी स्पिन अटैक खेलने वाले बल्लेबाज भी मौजूद हैं, जिस कारण सीएसके का कल के मैच के लिए फेवरेट्स होगी और उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आज के अपने रिपोर्ट में बस इतना ही, आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।